बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 8 गेट है सर, और सिक्योरिटी वाले सिर्फ हम दो ही हैं। कौन आ रहा है, कब जा रहा है, कैसे पता चलेगा सर? सर उस जगह को देखकर मुझे उसी दिन शक हो गया था। उस रात मैं फिर से वहां गया था। सुभाष, लेकिन ये बॉक्स तुम्हें मिला कहां से? सर इसे हॉट बॉक्स कहते हैं। जो लोग गांजा पीते हैं वो अपने घर में या गाड़ी में अक्सर इसे रखा करते हैं। मामूली जॉइंट जो नशा देता है उससे कई गुना ज्यादा नशा इस हॉट बॉक्स से होता है, और ये आज की जनरेशन को खोखला कर रहा है सर। उस जगह को देखकर लगता है कि वहां अब भी एक्टिविटीज हो रही है। गोपी ने बताया था कि वहां पहले भी 4-5 सुसाइड केसेस हो चुके हैं। हाँ, केस हैंडल करने वाले ऑफिसर से बात करेंगे तो कुछ पता चल जाए। रेड बिल्डिंग सुसाइड केस के बारे में आपसे बात करनी है सर। लगता है तुम नए जॉइन किए हो, इसलिए मुझसे पूछताछ करने आए हो। ऊपर के अधिकारी जो बोल रहे हो वही करो बेटा। मैं केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रहा था और तभी ऊपर से ऑर्डर आया और इस केस को सुसाइड घोषित करके बंद कर दिया गया, और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता मेरा ट्रांसफर करवा दिया गया। हेलो। अरे यार, हम लोग नए घर में आए हैं, कलर चूज करना है। जल्दी घर आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाय। हे सुभाष, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया। गिव मी अ मिनट, कम। अपने रूम, सॉरी, हमारे रूम के लिए कौन सा कलर सेलेक्ट करें? इसकी समझ मुझसे ज्यादा तुम्हें ही है, तुम ही चूज कर लो ना। स्ट्रिक्टली योर चॉइस, तुम ही चूज करो। ठीक है, ये वाला। ग्रे कलर बेडरूम के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर मुझे क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा था ना खुद ही चूज कर लो। ओके ठीक है, तो मैं एक्वामरीन कलर सेलेक्ट करती हूँ। भरत। यस मैडम। शेड काट दो। जी। ये वाला कलर। जी मैडम। उस वॉल पर। ठीक है। एंड सॉरी। और ये वाला शेड वहां उस वॉल पर। ओके मैडम। पिछले 5 साल में 6 इंसिडेंट्स हो चुके हैं और मैंने हर एक इंसिडेंट को मार्क करके रखा है। उस समय वहाँ कौन से मोबाइल फोन्स एक्टिव थे आप पता करके बता सकते हैं क्या? सर लास्ट 5 ईयर का ये ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन 2 ईयर्स का पॉसिबल है। मैं ट्रैक करके बताता हूँ सर। थैंक यू। ओके सर। एक बात बताओ सुभाष, इतनी घिनौनी हत्या किसने की होगी? सर पार्वती के केस में उसकी फ्रेंड्स और फैमिली का कहना है कि वो लड़की किसी भी हालत में खुदकुशी कर ही नहीं सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड लिखकर आया है सर। ये सही नहीं हो सकता। क्या सही है ये तो इस लड़की को और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को पता होगा। यू डोंट गेट इमोशनल सुभाष। सर मुझे कुछ काम याद आ गया, वो करके मैं स्टेशन में मिलता हूँ आप। ओके। यस डॉक्टर, फॉर्मल इंक्वायरी के लिए आया हूँ। पार्वती का पोस्टमार्टम आप ही ने किया था ना? सर मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और हर एक चीज का प्रोसीजर होता है। आपको जो भी बात करनी है हॉस्पिटल में आके बात कीजिएगा। प्लीज अभी जाइए यहाँ से। सॉरी। हेलो से बोल दिया था मुंशी, हम बात कर लेंगे ना सर। सर क्या बात है सर? समथिंग इंपॉर्टेंट, जॉइंट कमिश्नर खुद आए हैं, शायद उस मर्डर केस के बारे में ही होगा। सर सुभाष। ओ सब इंस्पेक्टर, गुड क्राइम ब्रांच, मैं चलता हूं सर।
हाँ सर, लेकिन बात क्या है वो तो। हाँ सुभाष सर, रेड बिल्डिंग के केस का क्या हुआ? हाँ सर, वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। सारी फाइल्स लेकर अंदर आओ। जी सर। ये केस दूसरी टीम को दे दो, मैं तुम्हें दूसरा केस देता हूं, तुम उसे इन्वेस्टिगेट करो। सर मुझे दो दिन और दे दीजिए, मैं ये केस सॉल्व करके दिखा दूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड आ चुका है ना, ये क्लियर हो चुका है। एक सीबीआई ऑफिसर को जान से मारने की धमकी मिली है, उनकी सुरक्षा के लिए तुम उनके घर जाओ। जितना कह रहा हूं तुम बस उतना ही करो। क्या हुआ? सर ये केस आप किसे दे रहे हैं? अगर वो बता देते तो मैं इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स पास ऑन कर देता। सुभाष मैं जानता हूं तुम आईपीएस की तैयारी कर रहे हो। आईपीएस का एग्जाम पास होने के बाद जब तुम मुझसे बड़ा ऑफिसर बनकर मेरे सामने आओगे और मुझसे सवाल करोगे तो मैं जवाब दूंगा। इस वक्त मैं जैसा कह रहा हूं बस तुम वैसा ही करो। अभी तुम सिर्फ एक एसआई हो, ये बात तुम नहीं भूलना। अब जाओ। अरे बाप रे सर, ये सीबीआई के किसी ऑफिसर का घर है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। बहुत झोल करके बनवाया होगा इसको। ये जो बाहर दिख रहा है ना उसके चमचे, देखिए कितना अकड़ के बात करेंगे। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। और भाई साहब कैसे हो? क्या बात है, आजकल अपने एरिया में दिखाई नहीं दे रहे हो आप। अरे सर हाँ? पिछले 10 दिनों से कोई हमारे मिनिस्टर साहब के घर पे अंडा फेंक रहा है। उस कमीने ने पूरे घर को गंदा कर दिया है, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं लग रहा है। वो कौन है ये पता करने के लिए ही तो आप लोगों को बुलाया है। अभी आप लोग पता है। हाँ बोलो क्या बात है। सर रेड बिल्डिंग में जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसके नंबर पे 5 बार कॉल आई थी सर। उस नंबर का डिटेल मैंने आपको मैसेज कर दिया सर। ओह थैंक यू। अरे वो नया भर्ती हुआ है क्या? अभिजीत ही हूँ। मैं अन्ना नगर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। रेड बिल्डिंग मर्डर केस के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। कौन हो तुम, किससे मिलना है? अभिजीत ने बुलाया है। I am क्राइम ब्रांच एसआई सुभाष। बात क्या है? रेड बिल्डिंग मर्डर केस के बारे में आपसे पूछताछ करनी है। तो तू उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पर हमने तो कहा था कि उसे क्लोज कर दो। फिर यहां क्यों आयो? ओके ओके मैं समझ गया, कुछ खटपट चाहिए क्या? 3 वक्त का खाना, खुद का एक घर, शादी, मस्ती, फिर बच्चे, एक आम इंसान की यही जिंदगी होती है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर हैं, हमारी लाइफस्टाइल देखोगे। लो लो एंजॉय। देखो देखो कैसे लड़की रो रही है, हमें देख के एंजॉय करो। अगर वो ओके कहती और मान जाती तो हमें ये करने की क्या जरूरत पड़ती? बेवकूफ लड़की। दूसरा वाला भी देख ले, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या बात है, बड़े ध्यान से देख रहे हो, मूड बन रहा है क्या? ए, किस पे हाथ उठाया तू जानता है? तुझे पता है हम लोगों का बाप कौन है? तुम अमीर लोगों को अपने बाप का पता नहीं होता है क्या? जब देखो पता है मेरा बाप कौन है, पता है मेरा बाप कौन है। अच्छा सुन, अगर तू इस केस से बच गया ना तो मेरे पास आके कंप्लेन दर्ज करवा देना, तेरा बाप ढूंढ दूंगा। अभी चुपचाप मेरे साथ स्टेशन चल। क्या बोला तूने? Oh!
हमें बाहर आने दे, फिर देखना। क्या बोला तू? बाहर आएगा? सेक्शन 376 डी एंड 302 नॉन अवेलेबल, मतलब तुम सबको 20 सालों तक जेल का ही खाना खाना है। क्या कहा तूने? हम लोग 20 साल जेल का खाना खाएंगे? अगर तुझ में दम है ना तो सिर्फ 20 मिनट्स हमें लॉकअप के अंदर बंद करके दिखा। तुझे तो ये क्या किया तूने? और इस तरह इन्हें अंदर क्यों किया? बिल्डिंग बोला था ना तो इस केस पर काम नहीं कर रहा है सर। यही एक मर्डर केस नहीं है, वहाँ जितने सुसाइड्स हुए हैं उनका मर्डर इन्होंने किया है और मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है सर। पागलों की तरह बातें मत करो। अब सर, इस स्टेशन के इंस्पेक्टर तुम हो या ये? नहीं सर, जाने दीजिए, मैंने बता दिया इसे। किस बेस पर तुमने इन्हें अरेस्ट किया है? इनके माँ बाप सोसाइटी में कितने बड़े लोग हैं जानते हो तुम? और जरा उस वीडियो प्रूफ को दिखाओ। यस सर। सर पासवर्ड 4455 ब्रो। सर सर ये ऑटो डिलीट हो गया सर। एविडेंस सर, मैंने खुद देखा है सर। आई सेड एविडेंस। एक कातिल, एक गुनाहगार अपने गुनाह का सबूत अपने ही फोन पर रखता है क्या? इडियट। तुम्हारे होते हुए मेरे बेटे को अंदर का रखा है सर। ये सब एक गलतफहमी की वजह से। मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, ये बात तुम भूल गए। और इसने मेरे बेटे को पीटा भी और तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। मैं होम मिनिस्टर को बताऊं या सीएम से बात करूं? जल्दी से बच्चों को बाहर करो। उन्हें रिलीज कर दो सर। आई कैन स्टिल प्रूव इट सर। इट्स एन ऑर्डर। इसे सस्पेंड कर दो। यू आर सस्पेंडेड। तुम्हें तो डिसमिस कर देना चाहिए बेवकूफ। ही सेड 20 मिनट्स बट जस्ट 50 मिनट्स ब्रो। कुछ हासिल हुआ तुम्हें? तुझे बहुत चर्बी चढ़ी थी ना बेटा, अब तू गया। आज के इस दिन को तूने मेरी लाइफ में यादगार बना दिया है। अब तेरी जिंदगी के हर एक दिन को मैं यादगार बनाऊंगा। अभिजीत कम। यस डैड। सर तुम कुछ मत कहो, पहले घर जाओ। कल सुबह गृह प्रवेश है ना, जाके उस काम पर ध्यान दो। सर ये सारी बातें भूल जाइए,
और किसी नए काम में लग जाइए सर। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए सर। आप प्लीज बाहर जाइए, प्लीज आप शांत हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। आप जाइए, हमारे पास